तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था। थोड़ा बड़ा लिखो क्या? नो सर। सही है, नो सर। इसमें डिस्कस किया है जैसे कि ब्लॉक ए या कार ए एक दूसरा कार है बच्चों बी, दोनों मूव कर रहा है, दोनों का कुछ वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी कुछ बी ए है, इसका वेलोसिटी कुछ बी बी है। मैंने कहा अगर ए में बैठ करके बी को देखूंगी, सॉरी अगर लिखा इसको तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और ये क्या आया था ए का वेलोसिटी चाहिए, तो पहले सबसे पहले ए का वेलोसिटी लिख लो और बी के रेस्पेक्ट में चाहिए तो बी का वेलोसिटी माइनस कर देते हैं, मतलब बी को रेस्ट में देख करके ए को देखेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। दिस इज द फॉर्मूला। फिर अगर एक्सेलेरेशन निकालना था तो यही लिखा था बच्चों, सेम फॉर्मूला। इट क्लियर यहां तक? सो एक सवाल लेते हैं, there are two projectile एक को u1 स्पीड से थ्रो कर दिया और दूसरे को u2 स्पीड से थ्रो कर दिया, सर्टेन एंगल थीटा 2 और इसको थीटा 1। और एक छोटा सा सवाल पूछता है, व्हाट विल बी पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड प्रोजेक्टाइल? अगर किसी प्रोजेक्टाइल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पाथ देखें तो वो कैसा होगा बच्चों? पैराबोलिक। लेकिन एक प्रोजेक्टाइल में बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल के पाथ को देखें तो कैसा होगा बच्चों? पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा या स्ट्रेट लाइन होगा? लीनियर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लीनियर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे कहोगे कि सर स्ट्रेट लाइन होगा, है ना सर? क्योंकि वो भी एक पैराबोला करेगा तो उससे क्या पता चलेगा बताओ? चलो तो क्या करते हैं, देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू कुछ हो जाएगा बच्चों, यू वन पहला माइनस यू टू, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव देख रहा है। और अगर एक्सेलेरेशन पूछूं बच्चों तो क्या हो जाएगा? ए वन माइनस ए टू। ए वन माइनस वन माइनस ए टू तो कितना हो जाएगा? लास्ट वन माइनस ए टू क्या हो जाएगा, जीरो या नॉन जीरो? जीरो जीरो। क्लियर ना? तो वन में दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी है बट एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो। कौन सा एक्सेलेरेशन? जीरो। रिलेटिव। तो बताओ वेलोसिटी चेंज होगा क्या? नो सर। नो सर। बच्चों किसी को देख रहे हैं उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, ना ही माइक्रो में ना ही डायरेक्शन में, तो उसका पाथ कैसा होगा? लीनियर।
लीनियर स्ट्रेट लाइन क्लियर टू ऑल जितने बच्चे अटेंड करें सर सो रिलेटिव विल रिमेन कांस्टेंट So because x is zero, है ना? This implies path will be a straight line. Yes, see clear now? Path straight line. Yes, sir. चलो. तो एक सवाल ले लेते हैं सर एक बार स्लाइड दिखाओ स्लाइड दिखाओ पीछे का अच्छा रिकॉर्डिंग तो किया ही नहीं तुम लोगों ने कोई बोला भी नहीं चल रहा है रिकॉर्डिंग तो ये स्टार्ट सर चल रहा है हमें ध्यान नहीं रहा चलो स्टार्ट कर दिया सर डन गुड तो आगे बढ़ते हैं बच्चों यस सर t इक्वल टू 0 पे एक प्रोजेक्टाइल ए है इसको ना 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया और इसको थ्रो किया है 53 डिग्री में और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया है लेट्स 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड दूसरा प्रोजेक्टाइल बी प्रोजेक्टाइल ठीक है टीज इक्वल टू 0 पे दोनों को थ्रो किया बच्चों टीज इक्वल टू 0 पे फाइन distance between A and B at t is equal to 2 seconds. Sir, theta kya hai? Sir, wo 53 kya? Ye 53 diya, ye 53. Sir. 53 degree diya. ठीक है तो कैसे सॉल्व करना है बच्चों टी जब जीरो पे तो दोनों साथ में एक ही जगह पे तो मैं बी में बैठ के ए को देखूं क्या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी है ना इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कहोगे सर ये हो जाएगा यू ए माइनस यू बी एन तो कहोगे सर ये रिलेटिव मोशन से क्यों करें व्हाई शुड स्टार्ट विद द रिलेटिव मोशन बिकॉज सवाल में पूछा है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस है ना तो बी में बैठ के देख रहा है मेरे से कितना दूर पे है इसलिए बी के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे इज इट क्लियर यस सर तो बच्चों यूए लिखना है यूए रिजॉल्व करने आता है क्या यस सर यस सर सर 40 एंड 30 हो जाएगा गुड तो यू का क्या है यहां देखो दूसरा कलर यूज कराओ देखो पता चलता है यू हो जाएगा 50 cos 53 i cap प्लस 50 sin 53 ये हो गया a का वेलोसिटी माइनस b का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली थ्रो किया बच्चों 20 आई कैप है ना यस सर सो 50 cos 53 बच्चों ये हो जाएगा 4 बाय 5 हो जाएगा 40 3 बाय 5 40 सर 30 होगा 30 होगा 30 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप और माइनस 20 आई
हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 40 है ना। पूछेगा बच्चों कि 20 अगर ए को देखें तो उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये कितना होगा बच्चों, की हो जाएगा 10 आई कैप और 40 जे कैप है ना। अगर पूछा जाए कि बी से अगर हम ए को देखें तो उसका वेलोसिटी किस एंगल पे दिखेगा, तो वो दिखेगा टैन थीटा इक्वल टू, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है क्या, 40/10। यस सर, यस सर। ये थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ एंगल मेड बाय बी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फ्रॉम हॉरिजॉन्ट है ना। एनीवे तो बच्चों इस वेलोसिटी से जा रहा है ये देखेगा, अभी तो हमारे पास था, बाद में ये इस डायरेक्शन में यहां चला गया, 2 सेकंड पे कहीं यहां आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो v इनटू t, इज इट क्लियर? यस सर, v इनटू t, यस सर। तो ये वेलोसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, t इज इक्वल टू 2 सेकंड है, हो जाएगा 20 आई कैप प्लस एटी जे कैप, तो डिस्टेंस जो आ जाएगा, डिस्टेंस जो आ जाएगा वो हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू 20 बच्चों बाहर ले लो 1 प्लस 4 स्क्वायर 17, रूट 17 इंटू 20, दिस इज द डिस्टेंस। क्लियर? ये 2 सेकंड यस सर, टी का भी 2 सेकंड पूछा था ना सवाल, यस सर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर एक प्रोजेक्टाइल है ए जिसको इस टावर से थ्रो कर रहा है, ये डिस्टेंस लेफ्ट ले लेते हैं 50 मीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये लेते हैं बच्चों, लेट्स 30 मीटर, ठीक है। तो ये एक टावर है, दूसरा टावर बच्चों दोनों का हाइट अलग है, और यहां से भी एक बॉल को थ्रो किया है, इसको लेट्स थ्रो किया इधर 53 डिग्री पे, सॉरी ये एंगल 53 डिग्री है, और इसको थ्रो किया है लेट्स कितना दे दूं 50 मीटर पर सेकंड से,
अब इसको बच्चों हॉरिजॉन्टली थ्रो किया समझ मारा दो प्रोजेक्टाइल है ए और बी बोथ आर थ्रोन एट सेम टाइम बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ करो सब क्लियर हो जाए तो सर सवाल क्या है यहां तक क्लियर क्या कर रहा हूं दो प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया एक को यू स्पीड से दूसरे को स्पीड दे दिया है डायरेक्शन भी दे दिया है इसका भी डायरेक्शन दे दिया है यस सर जो निकालना ये है फाइंड यू सो दैट द टू प्रोजेक्टाइल विल कोलाइड Assume the both projectiles are thrown in same plane. एक ही plane में throw किया. Assume both projectiles thrown in same vertical plane. सर टाइम नहीं दिया नहीं टाइम नहीं निकालना पड़ेगा टाइम भी निकालना पड़ेगा व्हेन दे विल कोलाइड और ये निकालना है कि क्या स्पीड तो बच्चों ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों इसको स्टार मार्क करना ये कंसेप्ट है थ्री स्टार मार्क अब क्या करते हैं बच्चों हम क्या करते हैं कि हमें एक प्रोजेक्टाइल में बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, ठीक है तो मैं अभी दूसरा पेज ले जा रहा हूं समझना बच्चों मैं ना यहां पे बैठ जाता हूं ए में बैठ जाता हूं और बी को देखता हूं तो मुझे ए क्या दिखेगा बच्चों रेस्ट में है ना क्या दिखेगा ए रेस्ट में अब बताओ सवाल ये कहा है बच्चों कि क्या कंडीशन हो कि बी ए से कोलाइड कर जाए तो ए देखेगा कि अगर बी सपोज इस लाइन पे आ रहा ऐसा तो क्या कोलाइड करेगा देखेगा बी का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा है तो क्या कोलाइड करेगा बच्चों नहीं करेगा नो सर ए देखेगा बी ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है तो उस केस में ये मिनिमम डिस्टेंस का कंसेप्ट हो जाएगा कि आर मिनिमम क्या होगा यस सर लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए और ये कंसेप्ट हमने सिखा दिया मिनिमम का कहोगे सर आप कह रहे हो कोलाइड करने वाली बात कोलाइड कब करेगा जब ए देखेगा कि बी जो है बी इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन बता बच्चों अगर इसको बी देखेगा ए को कि वो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये आते 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 यहां पहुंच जाएगा कि नहीं yes. मतलब वेलोसिटी ऑफ बी एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए कितना एंगल पे होना चाहिए तो टाइम थीटा क्या होना चाहिए 30/50 37 डिग्री समझ में आ रहा है क्या हाँ सर नहीं 37 क्योंकि साइन थीटा 3/5 37 होता है ये टैन थीटा है मतलब मुझे बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में अगर इधर दिखेगा तो कोलिजन होगा अदरवाइज कोलिजन
नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. इज इट क्लियर? सो हमें निकालना क्या है, हमें चेक करना है कि बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितना है. तो मैं पिछला पेज पे जा रहा हूं, पिछले पेज पे आ गया. हमें क्या निकालना है, और एक्सेलरेशन तो जीरो है चुकी है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है ना. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, फिफ्टी कॉस 53 माइनस आई कैप सर 30 आई कैप एंड 40 जे कैप प्लस 50 साइन 53 ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए यू आई कैप. ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50 कॉस 53, ये हो जाएगा 30 प्लस यू माइनस आई कैप प्लस सर यू माइनस 30 होगा ना. हाँ 50 कॉस्ट, ये 30 हो गया ना, माइनस आई कैप ले लिया ना कॉमन, 40 जे कैप. आई बात समझ में? हाँ सर. यस सर. तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30 प्लस यू अपॉन 40 प्लस यू माइनस आई कैप प्लस 40 जे कैप आ गया. इसका एंगल कितना होगा, व्हाट शुड बी द एंगल विद द एक्स एक्सिस? ये 40 डिवाइड बाय ये 40 हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 30 प्लस यू, सही है ना? यस सर. डिवाइड बाय 30 प्लस यू, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का. बट ये होना कितना चाहिए, दिस शुड बी हाउ मच बच्चों, ये कितना होना चाहिए, 3 by 5 होना चाहिए. Is it clear to all? 3 by 5 क्यों होना चाहिए? Yes sir. Yes sir. अब इससे सॉल्व कर लो बच्चों, ये हो गया 200 that is equal to 90 plus u, that means u is equal to कितना आ गया, 110. मतलब 90 plus 3 u आएगा. बोलो बच्चों ये अच्छे से समझ में आया क्या? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. पूछा गया बच्चों कि किस टाइम पे कोलाइड होगा, किस टाइम पे, फाइंड द टाइम व्हेन इट विल कोलाइड. देखो बच्चों बड़ा आसान से सवाल होगा ये, इसको रिलेटिव से कर सकते हो. अगर मैं बात करूं रिलेटिव वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, देखना एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, थर्टी
30 प्लस यू है ना? यस सर। 30 प्लस यू, यू कितना बच्चों? 110 बाय 3, दैट मींस 200 बाय 3 मीटर पर सेकंड, ऐसा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब बताओ ये रिलेटिव वेलोसिटी किधर है? एक्स एक्सिस का ये रिलेटिव वेलोसिटी, एक्स एक्सिस का, और एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट होना है? 50 मीटर। 200 अपॉन 3, ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस में रिलेटिव, इतना इनटू टी, ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए 50, है ना? So, t जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा? 150 डिवाइड बाय 200, दैट मींस 3/4 सेकेंड, 3/4 सेकेंड, ठीक है? 3/4 सेकेंड में ये हिट करेगा। कोई बच्चा स्मार्टली इसको यहां से ऐसे भी कर सकता है, सारे बच्चे ध्यान देना है, ये थोड़ा सा टफ होता है बच्चों। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया था? वर्टिकल कंपोनेंट आया था 40 ना? यस सर। इसका तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं, इनिशियली नहीं है, और एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो देखो ये 40 मीटर पर सेकंड है वर्टिकल कंपोनेंट, और कोलाइड करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलना है? 30 मीटर चलना है और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है 40, तो टाइम हो जाएगा इतना, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर कोई ऐसे सॉल्व करता है तो देखो एक और तरीका कैसे सॉल्व करेंगे, ये टाइम निकल गया, अब यू सपोज नहीं पता था, देखना इसको समझो बच्चों, रियलाइज करो, विजुलाइज करना, यू इधर है, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था बच्चों? 30, मतलब 30 था रिलेटिव, 30 प्लस यू है, तो ये यू, ये 30, तो ये रिलेटिव हो जाएगा 30 प्लस यू, और चलना कितना बच्चों? 50, 50 डिवाइड बाय 30 प्लस यू, ये कितना होना चाहिए? 3/4, टाइम तो दोनों से सेम, कोलाइड करना है, इसलिए यहां से ऐसे भी यू निकल जाएगा। तो अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया, इनफैक्ट कहो तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें बहुत कुछ लिख दिया, हो सकता है कुछ नहीं पता चल रहा हो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया? ये डिस्कस किया कि दो बॉडी अगर मोशन में है, प्रोजेक्टाइल है, ड्यूरिंग मोशन वो कोलाइड करेगा कि नहीं, उसके लिए कंसेप्ट ये डिस्कस किया कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे और इसका रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, अगर वो इस लाइन में, लाइन जॉइनिंग द टू प्रोजेक्टाइल, अगर इस लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी है तो कोलाइड करेगा, और नहीं है तो कोलाइड नहीं करेगा। और बच्चों इसी में हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सिखा चुके हैं, ये सब बाद में तुम्हें ज्यादा यूजफुल होगा, जब थोड़ा सा फिजिक्स सीख लोगे ना तो तुम खुद से ये सब करोगे। अगर इसका रिलेटिव वेलोसिटी सपोज ऐसा है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है ना, तो तुम्हें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला। तो अगर ये एंगल सपोज पता है कि इस डायरेक्शन जा रहा है, यू नो दिस एंगल, यू नो दिस डिस्टेंस, सो यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। पढ़ा चुके हैं तो ये आइडिया तुम्हें क्लियर है कि यस वी नो दिस टाइप ऑफ सम। सर ये तभी अप्लाई होगा ना जब ए की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, हां बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो बच्चों ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव मोशंस, कुछ कुछ चीजें बताया।
अब थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो बताता हूँ। सर पिछले क्लास में कहा था एक पढ़ना है बच्चों रेन मैन टाइप प्रॉब्लम और एक पढ़ना है रिवर बोट और कभी कभी ऐसा रहेगा विंड ब्लो कर रहा है ये सब चीजें भी आएगी तो वो भी डिस्कस करेंगे इसी में आ जाएगा और फिर मिसलेनियस टाइप के सम करेंगे। तो ये दो मेन है हमें रिलेटिव मोशन में पढ़ना। ओके सो मैं एक जनरल फॉर्मूला रिलेटिव मोशन का बताऊंगा बच्चों। एक फ्रेम है एस एक फ्रेम है एस डैश दो फ्रेम है ऑलरेडी ऐसा चीज हम डिस्कस किए हैं। ये सपोज ऑरिजिन ओ हो गया ये ओ डैश हो गया और एक पॉइंट है पी और इस पी पॉइंट मतलब ये ऑब्जेक्ट के मोशंस को स्टडी करना है। तो हमने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया था बच्चों कि ये हो गया क्या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम है ना इसको बोलेंगे। सो ओपी वेक्टर को क्या बोलेंगे बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस। इसको क्या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश एस डैश एस डैश ओ डैश पी को और एक और बच गया ये वाला पार्ट है जो ये वेक्टर ओ ओ डैश ये हमने पढ़ाया कि तुम लोग नहीं पढ़ाया सर जे थ्री बैच को पढ़ाया पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ ओ डैश एस डैश फ्रेम का विथ रिस्पेक्ट टू एस क्लियर ओ ओ डैश वेक्टर ये कैसे रिलेटेड है बच्चों क्या कहोगे ये पोजीशन वेक्टर क्या ये बोलेंगे ओपी जो वेक्टर है वो ओ ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर है इज इट करेक्ट ये काइनेमिक्स सर सॉरी ओपी को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस। सारे बच्चे ध्यान से देखना मैं पहले इसको लिख लेता हूँ इसको पहले लिख लेता हूँ ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश और ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश so now you are confident on this equation position vector ka equation so is p particle ko hum do frame se dekh rahe hain ek frame of reference s space hai dusra frame of reference s jaise ye ground ka frame hai aur ye ek train ka frame इसको ना मैं क्या करता हूं डिफरेंशिएट कर देता हूं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों तरफ किससे टाइम के रेस्पेक्ट बोलता बच्चों इसको क्या लिखें वेलोसिटी तो क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस और इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। इफ यू डिफरेंशिएट वन मोर टाइम देन यू विल गेट रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन बच्चों एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन ऑफ रिलेशन। इस रिलेशन को थोड़ा सा रियलाइज करो कि ये क्या है। देखो बच्चों, ये P स्टार्ट में P का मोशन देख रहे हैं, किसके फ्रेम में? S के फ्रेम। P स्टार्ट में, S लास्ट। यहां देखो P स्टार्ट में, S लास्ट है। सो पैटर्न देखना बच्चों, P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश, देन S डैश विथ रेस्पेक्ट टू S। हालांकि हम पता है इसमें तीन भी लिख सकते हैं, अगर तू चेन रूल जैसा है कि नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, यस सर, सर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखना, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि ये सर ऐसा भी होगा, हो सकता है। बताना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ, कंप्लीट करो, क्या बात है। मतलब तुम लोग तो सचमुच में ब्रिलियंट हो यार, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, सचमुच में। समझ में आ गया क्या पैटर्न? यस सर। क्वेश्चन का ये बच्चों ओरिजिनल ये है, ये मेन चीज है। सर जो वो सेकंड लास्ट है वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, वेलोसिटी जी का वो, ये वाला उसके ऊपर वाला सर, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, किसी और फ्रेम बी ले लिया ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फिर क्या करेंगे? बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज जी लास्ट में आना चाहिए और ए फर्स्ट में। नहीं, पैटर्न नहीं दिख रहा? ए स्टार्ट में, अगर किसी सेकेंड फ्रेम को लाया तो ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, फिर क्या करेंगे? बी विथ रेस्पेक्ट टू जी, जी लास्ट में। वो पैटर्न दिखा पर कैसे आया वो नहीं समझा था। वो तो देखो यहां से ना दिखाया ना अभी, ये वेक्टर फॉर्म फॉर्मेट था। देखो पी विथ रेस्पेक्ट टू एस, ये पी विथ रेस्पेक्ट टू एस, और ये क्या है? P with respect to S dash or S dash with respect to S, यही है ना पैटर्न? Yes sir, वो बाद में समझा। अभी क्लियर? Yes sir। अब कोई कहेगा सर अभी आपने आपने जो पहले पहले इससे पहले बताया था उस समय तो आपने रिलेटिव मोशन कुछ माइनस वाला साइन ऐसे बताया था, ऐसा बताया था, तो क्या ये गलत है? नहीं बच्चों, ये गलत नहीं है, ये एग्जैक्टली मैंने कहा था कोई तो फ्रेम होगा तो मैं ऐसे लिखता था, तो ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे वो पैटर्न नहीं है। अगर तुम इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू जी दैट इज इक्वल टू ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, आ गया वही पैटर्न सर? यस सर। तो सर हम वेलोसिटी गलत नहीं था, समझ में आ रहा है ना सर? हाँ सर, हम वेलोसिटी ऑफ वो बीजी को प्लस भी कर सकते हैं ना, उसको फिर जी भी कर देंगे तो फिर ए से स्टार्ट हो रहा है और बी में एंड हो रहा है। यस यस, तो इसको एकदम सही बताया कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए विद रिस्पेक्ट टू जी प्लस ये वेलोसिटी ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये इस फॉर्मेट पे आ गया। ठीक है, तो अब समझना बच्चों, कभी कभी ऐसे रहेगा, लिख दूंगा मैं वी ए बी ए, तो वी ए माइनस बी बी ऐसे लिख दूंगा, है ना? Yes. सपोज ऐसा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है, तो यहाँ माइनस दिया और ये ए विथ रेस्पेक्ट टू सपोज सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, देखो ये पैटर्न, अगर ए स्टार्ट में और बी लास्ट में होना चाहिए तो यहाँ प्लस आए, तो ये दोनों समझो दोनों सेम ही चीज है, कुछ गलत, दोनों गलत नहीं है, दोनों सेम। तो बच्चों ये क्लियर? लास्ट वाला एक बार और समझाएं।
देखो एक पैटर्न लिखने वाला है प्लस वाला ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ए स्टार्ट में बी लास्ट में आना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए और तीसरा फ्रेम सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू प्लस लिखेंगे। और एक दूसरा लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू कोई भी फ्रेम जी ले लिया माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू जी। तो यहाँ पे ए स्टार्ट में और बी लास्ट में नहीं है, जी यहाँ भी जी यहाँ भी जी, ओके सर जी की जगह अलग रेफरेंस नहीं नहीं नीचे में अलग लिया है। velocity of A with respect to C minus velocity of B with respect to C, both are correct, दोनों सेम चीज है। इसको इधर ले आ जाओगे तो वही फॉर्मेट पे आ जाएगा जो ये फॉर्मेट पे है। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। देखो कॉमन सेंस से तो जवाब दे ही दोगे। मान लो देयर इज अ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सपोज 20 मीटर पर सेकंड, और एक आदमी है जो इधर वॉक कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पे एक आदमी चल रहा है, ये जो वेलोसिटी दिया है इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो अगर सवाल पूछ दिया जाए कि नहीं मैन का वेलोसिटी ग्राउंड का आदमी क्या देखेगा, 25 मीटर पर सेकंड। बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। अब देखो रिलेटिव मोशन से क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन, तीसरा फ्रेम कौन सा है, ट्रेन का फ्रेम है बच्चों, तो ट्रेन लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ, देखो एम स्टार्ट में जी लास्ट में, इज इट करेक्ट इक्वेशन, यस सर यस सर यस सर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना बच्चों 5 आई कैप है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20 आई कैप, तो आंसर क्या हो जाएगा 25। तो आज ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने वाले हैं, तो कभी क्लास अभी लीव नहीं करेगा। ये जो कंसेप्ट है इस पे आगे बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी रिवर बो। बच्चों इसमें बच्चों को परेशानी होती है, उनको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया। बहुत अच्छे समझाता हूँ फिर भी उनको ऐसा फील होता है, लेकिन तुम लोग ने अच्छे से समझ लेना। सर हेडिंग रिवर बोट लिखना है। हाँ रिवर बोट टाइप होगा। सोचो आज का क्लास रिवर बोट एकदम अच्छे से समझ लेना, और नहीं समझा तो जाया नहीं, क्लास छोड़ना नहीं, ठीक है, क्लास में बने रहना, ओके। शुड आई स्टॉप? यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर सर थोड़ा नीचे लिखा, यहाँ तक नहीं दिखाते, एक सेकंड नो सर दिखेगा, ठीक है रिवर बोट टाइप। पहले समझो इसमें क्या होता है। तो एक नदी बना दिया और इसमें पानी है बच्चों, ब्लू कलर से दिखा देता हूँ वाटर। तो ये रिवर इज फ्लोइंग विथ सम वेलोसिटी, उसको क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब फ्लो ऑफ वाटर, है ना। और ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, ग्राउंड के। तो जैसे दे दिया कि रिवर इज फ्लोइंग विद 5 किलोमीटर पर आवर विद वेलोसिटी, तो वो है रिवर का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
और बच्चों एक होता है बोट या मैक, बोट थ्रो कर सकते हो या आदमी स्विम कर सकता है ना, रिवर बैंक भी बोलते हैं। तो मान लो तुम लोगों को किसी को स्विमिंग आती होगी, तो ये आदमी है ये स्विम कर रहा, ठीक है, पहले ऐसे समझना। अगर सोचो ये स्टिल वाटर होता, सपोज पॉन्ड है और वाटर इज नॉट फ्लोइंग, स्टिल वाटर, और ये मैन इसमें स्विम कर सकता है सपोज 3 किलोमीटर पर आवर। सोच सुनना, यहां पे समझने वाली बात है, स्टिल वाटर, वाटर इज नॉट फ्लोइंग, ये स्विम कर सकता है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेलोसिटी है ये किसके रेस्पेक्ट में वो स्विम कर रहा है? ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट, स्टिल वाटर, अभी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी और वाटर के रेस्पेक्ट में भी सेम ही है चूंकि स्टिल वाटर है। लेकिन बच्चों अभी अगर ये स्विम करना शुरू किया इधर 3 किलोमीटर पर आवर से, ये स्विम करना शुरू किया इस डायरेक्शन में, तो वो किसके रेस्पेक्ट में स्विम करेगा? वाटर के रेस्पेक्ट, रिवर के रेस्पेक्ट। तो ये जो वेलोसिटी दिया रहेगा कहेगा कि मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद दिस वेलोसिटी। तो अगर वो रिवर में स्विम कर रहा है तो वो रिवर के रेस्पेक्ट में उस वेलोसिटी से स्विम करेगा। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। तो अगर मैं कहूं बच्चों कि एक आदमी है, इज ए मैन, एंड ये क्या कर रहा है, ये बच्चों स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये कह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, तो ये हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और इसको मैंने कहा बच्चों कि ये है 5 किलोमीटर पर आवर। तो कॉमन सेंस से बताओ कि यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ वो क्या ऑब्जर्व करेगा, ये मैन का वेलोसिटी क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर। पक्का 8 किलोमीटर पर आवर है? यस सर, यस सर, यस सर। तो समझ में आ गया तुरंत, बहुत बढ़िया है ना, कॉमन सेंस से। ये रिवर जा रहा है 5 से, अगर ये रेस्ट में भी रहता थक भी जाए और ऐसे हाथ पर खाली स्विम करे, मतलब फ्लोट करते रहे, तो भी 5 से तो जाएगा ही, और स्विम करना शुरू किया तो 3 से, और कॉमन सेंस से भी 8 लग गया बच्चों। ये विजुलाइज कर लो, और अगर फॉर्मूलाज लिखेंगे तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज दिस फॉर्मूला करेक्ट? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या है ये, समझ में आ गया? व्हाट इज दिस, मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी, और ये जो है वो रिवर के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में वो किस वेलोसिटी से स्विम कर रहा है, और ये जो है रिवर किस वेलोसिटी से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्लो। तो यू आर नाउ कॉन्फिडेंट ऑन दिस 3 टर्म्स? यस सर। हो जाएगा 3 आई कैप। यस सर। इसमें हो जाएगा 5 आई कैप, इसलिए तुम लोगों ने 8 आई कैप। मैं दूसरे पेज पे चलूं, लिख लो बच्चों ऐसे सब। यस सर, यस सर, 1 मिनट सर। डन सर, डन नाउ? यस सर, 1 मिनट सर। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं जो दो बड़े बड़े जहाज होते हैं शिप जो है, सपोज ये रिवर में या समुद्र में क्या किए, रेस्ट में, मतलब उसको रेस्ट में रखा है, ग्राउंड से उसको अटैच कर देते हैं, मूव नहीं करता। अब क्या हुआ कि एंड द रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे विद वेलोसिटी वी आर,
ठीक है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है एल। रिवर्स फ्लोइंग इन दिस वे, ये स्टेशनरी सी पे बच्चों ये मूव नहीं कर रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। देखना कितने बच्चे जवाब देते हैं। बच्चों एक आदमी यहां से इस सिप से निकला और ये स्विम करना शुरू किया इधर, और ये स्विम करता है वीएम से, और ये दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज द वेलोसिटी। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो, एल डिवाइडेड बाय वीएम प्लस वीआर, टी वन टाइम सपोज, है ना। तो किसी ने बता दिया एल डिवाइडेड बाय या इसको ऐसे एल डिवाइड बाय वीएम प्लस वीआर, क्या सारे बच्चों को ये क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। बच्चों अब यहाँ पहुंचा तो उसके बाद पिकनिक मना के कहेगा यार घर वापस चलते हैं, फिर से अपने सिप पे आते हैं, ये वापस आएगा तो तब आने का टाइम क्या होगा? अगर ये बता दिया तो समझ में आ जाएगा मुझे कि हाँ समझ में आ गया तुझे। एल अपॉन वीएम माइनस वीआर, और टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा? टी वन प्लस टी टू। बताइए आसान सा सवाल, अच्छे से समझ में आया क्या? यस सर, यस सर, यस सर। जनरली जब हम लोग बात करते हैं रिवर का, रिवर इज फ्लोइंग और आदमी स्विम करता है या बोट से जाता है तो रिवर को क्रॉस करना होता है, इस बैंक से दूसरे बैंक पे जाना, है ना। एंड रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे विद वेलोसिटी वीआर। बच्चों तुम्हें अगर क्रॉस करना है इस पॉइंट पे, यहां से हाँ दूसरे साइड जाना है रिवर का, तो तुम स्विम करना शुरू किए। तो एक आदमी यहाँ पे रिवर में आया, वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को बोलते हैं बच्चों अक्रॉस द रिवर, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? अक्रॉस द रिवर। और इस डायरेक्शन को बच्चों अगर रिवर का फ्लो इधर है तो इसको बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम, अलोंग द, हाँ अलोंग द रिवर, और इसको बोलेंगे डाउन द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब फ्लो का इधर है, और अगर इधर जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। क्लियर ये टर्म? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही इंटरेक्ट करते हैं। लिख लो इतना, हेलो लिख लिया है तक? यस सर, यस सर, यस सर। सुना बच्चों, अब मैंने अभी सवाल क्या किया, इधर स्विम करना शुरू किया, उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा था, ये रिवर में और इधर स्विम कर रहा है कि उसको यहां जाना है, और रिवर का वेलोसिटी, रिवर का फ्लो का वेलोसिटी बच्चों इधर है, ये वीआर इधर है,
क्या लग रहा है, ये यहाँ पे क्रॉस करेगा या कहीं दूर चला जाएगा? दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। एक्चुअली मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैन जो है रिवर के रिस्पेक्ट में इधर स्विम कर रहा है, बट रिवर का वेलोसिटी इधर है, तो इसका नेट वेलोसिटी मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बच्चों इन दोनों वेक्टर का समेशन हो जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर, है ना। सो ये जो है इधर हो जाएगा नेट वेलोसिटी, और ये चलते 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 यहां पहुंच जाएगा। जाना था इसको यहां जस्ट अपोजिट पॉइंट पे, बट पहुंच जाएगा यहां, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच के कहीं चला गया, दूर चला गया बच्चों। इसको बोलते हैं रिवर ने उसको ना ड्रिफ्ट कर दिया, दूर लेके चला गया। तो इस डिस्टेंस को बच्चों बोलते हैं ड्रिफ्ट, इस डिस्टेंस को बोलेंगे ड्रिफ्ट। क्यों ड्रिफ्ट हो गया? बिकॉज रिवर का जो वेलोसिटी है वो उसको इधर लेके चला। तो बच्चों इस मैन का ना दो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके मोशन को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। एक डायरेक्शन का मोशन इधर होगा एक डिस्प्लेसमेंट, और एक होगा इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स एक अलोंग द रिवर और एक अक्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द फ्लो। दो डायरेक्शन बच्चों, ये क्लियर यहां तक? अगर मैं सवाल पूछूं बच्चों कि ड्रिफ्ट कितना होगा, क्या होगा, तो ड्रिफ्ट के लिए इस डायरेक्शन का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा। किस डायरेक्शन का? अलोंग द रिवर का, रिवर का। और क्रॉस करने के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा? है ना। So, इसको रिवर को क्रॉस करना है, मतलब इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट होना है। बोलो बात सही बोल रहा हूं? यस सर। अभी सबसे सिंपल सा केस ले रहा हूं बच्चों, पहला केस ले रहा हूं कि व्हेन मैन स्विम्स अक्रॉस द रिवर, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना, इधर स्विम करना शुरू किया, उसको क्रॉस करना था, इधर स्विम करना शुरू किया, हालांकि ये यहां जाएगा नहीं, जाएगा यहां पे चला जाएगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? तो पहला सवाल बच्चों, हमारा थ्योरी स्टार्ट हो गया है। पहला केस, व्हेन मैन स्विम्स अक्रॉस द रिवर, सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर, और रिवर का विड्थ ले लेते हैं, सपोज विड्थ इज डब्ल्यू। मैं यहां पे कहूंगा वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर। बच्चों ध्यान से सुनना, इसका मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दो वेलोसिटी है, एक ये और एक ये, मतलब एक ये और एक ये, तो ये हो गया अक्रॉस द रिवर, कितना है Vm, और वेलोसिटी अलोंग द रिवर कितना है? Vr, 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 यहां पे है Vr। तो समझना, ये रेस्पॉन्सिबल होगा टू क्रॉस द रिवर, और ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? पहला सवाल पूछ रहा हूँ कि टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तुम कहोगे सर रिवर क्रॉस करेगा, इधर का डिस्प्लेसमेंट W होना चाहिए, W by Vm। क्या बात है यार, बहुत ही बड़ी ब्रिलियंट है, तुम तो सही जवाब देते, W by Vm। अर्चिसा क्या ये क्लियर? यस सर।
गुड अभिजीत गायकवाड़ यस सर आयुष काले आयुष काले आर यू देयर उत्कर्ष उत्कर्ष yes, ठीक है यस सर उत्कर्ष तो मुझे बताना है कि दूसरा सवाल मैं पूछूंगा बच्चों इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं सपोज सो व्हाट इज ड्रिफ्ट एल ड्रिफ्ट कितना होगा तो ड्रिफ्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है रिवर रिवर का वेलोसिटी तो बोलो क्या रिवर वी आर इनटू टाइम टाइम जितना टाइम नियम टाइम जब रिवर को क्रॉस कर जाएगा ऊपर आ जाएगा तो थोड़ी ड्रिफ्ट होगा है ना तो जितना टाइम लगा तो टाइम कितना हो जाएगा w अपॉन vm क्या ये 100% क्लियर यस सर बच्चों इसको बोलते हैं ये जो कंडीशन लिया ना ये है शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर कहोगे सर कैसे क्योंकि ये मैन ने अपना इधर वेलोसिटी पूरा इधर ही स्विम कर रहा है अभी दूसरा सवाल दूंगा तो ये जस्ट लिख लेना दिस इज केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम ये जो केस डिस्कस किया दिस इज शॉर्टेस्ट इससे कम टाइम में क्रॉस नहीं कर सकता बिकॉज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वीएम से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी भी केस में क्योंकि वीआर तो चेंज होगा नहीं सर क्योंकि वो टेढ़ा जा रहा हाँ बोलो सर जा रहा है इसलिए वो शॉर्टेस्ट टाइम है ना ये शॉर्टेस्ट टाइम का सवाल और दूसरा ले रहा हूं बच्चों अब देखना अभी ये सेकंड कंडीशन है अब ये सेकंड केस टू ले रहा हूं अब बताओ तुमने तो फिजिक्स पढ़ लिया तुम कहोगे सर मुझे ना यहां से स्विम करना और यहां पे पहुंचना जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना सेकेंड केस ले रहा हूं टू क्रॉस जस्ट अपोजिट अभी अभी तुमने देखा कि अगर मैन ने जो स्विम किया था बच्चों अगर इधर स्विम किया था तो यहां पे क्रॉस नहीं किया था इधर चला था क्या लग रहा है कोई सजेस्ट करेगा इस आदमी को क्या करना चाहिए सर विद सम एंगल थीटा टू द लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड मूव करना चाहिए अपवर्ड अपवर्ड तो इधर ले जाना ना ही स्टार्ट स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन ये हो जाएगा वीएम यहां से कुछ एंगल थीटा और बच्चों ये ऐसे एंगल पे स्विम करे कि जो रिवर का वेलोसिटी है वी आर ये क्या वेलोसिटी ऑफ द रिवर इसको नेट किधर जाना है इधर जाना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर यही होना चाहिए ना यस सर इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर होना चाहिए दैट मींस ये और ये मिलकर के इधर हो जाना चाहिए दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए बोलो बात समझ में आई क्या ये वेक्टर डायग्राम समझ में आया कि मैं ऐसे एंगल पे स्विम करूं इस प्लस रिवर का वेलोसिटी ये रिजल्टेंट हो गया तो यहां पहुंच जाएगा सवाल पूछता है बच्चों कि इसको किस एंगल पे स्विम करना है थीटा क्या होगा तुम कहोगे सर थीटा हो जाएगा यहां से देख लेते हैं वी आर और वी एम दिया है साइन थीटा लिख लेते हैं साइन थीटा कितना हो जाएगा वी आर अपॉन बताइए क्लियर क्या यस सर यस सर यस सर बच्चों यहां अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज वीएमजी
तो तुम बहुत अच्छे से बता सकते हो कि सर ये वेक्टर डायग्राम से क्लियरली बता दोगे कि ये हाइपोटेनस है ना। तो VMG तुम यहां से बता सकते हो क्या किया जाएगा, रूट ओवर VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। यस सर। यस। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझो, इस VM का दो कंपोनेंट है, इस VM का दो कंपोनेंट, एक VM साइन थीटा इधर, क्या है VM साइन थीटा इधर और एक VM कॉस थीटा इधर। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। VM साइन थीटा जो है ना वो VR को नलिफाई कर रहा है, है ना, नलीफाई मतलब उसको बैलेंस कर रहा है, ये जितना रिवर इधर ले जाएगा ये उतना इधर चला जाएगा, इसलिए नेट इधर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दैट्स व्हाई ये ऐसे स्विम करे कि VM साइन थीटा किसके बराबर हो जाए, VR VR। पहले डायग्राम से ये साइन थीटा लिख दिया था, अभी समझा के भी लिख रहा है, दोनों तरीके से, दो तरीके से एक ही चीज को दो तरीके से समझाया। और जो क्रॉस करेगा टू क्रॉस विच वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल, VM cos थीटा, VM cos थीटा, VM cos थीटा। तो अगर मैं पूछूं बच्चों पहला सवाल कि टाइम टू क्रॉस क्या बताओगे, VM cos थीटा अपॉन t। टाइम टू क्रॉस तो t जो हो जाएगा वो विड्थ, अगर सपोज दिया हुआ है w, बच्चों मुझे पता है VM cos थीटा यही है, ये वाला पार्ट है, मतलब इतना है। नहीं तो पहले देखो sin थीटा यहां से निकल जाएगा, sin थीटा निकल गया तो cos थीटा पुट करोगे तो यही आ जाएगा बच्चों, यही ला रहे हैं, यही है ना। तो VM cos थीटा कुछ और नहीं, VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर है। सो दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर, इसमें ड्रिफ्ट क्या है, जस्ट सपोज जीरो, दिस इंप्लाइज ड्रिफ्ट जो है जीरो है, मतलब जीरो ड्रिफ्ट का केस है। और इसी को बोलते हैं बच्चों, एक और तरीका बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू क्रॉस कर रहा है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लिया, ऐसे लिया, अदरवाइज पिछले बार ऐसे लिया। तो इसी को बोलेंगे टू क्रॉस जस्ट अपोजिट पॉइंट, या टू हैव जीरो ड्रिफ्ट, या क्रॉस थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। तो टाइम निकालने आ गया क्या? यस सर। यस सर। तो तीसरा पेज है, बच्चों किसी को मन किया ले थोड़ा सा पिकनिक मनाते हैं, सारे बच्चों सुना, ये सबसे मेन है, मतलब जनरल केस है, ये समझना जरूरी है। अब उसको मन किया कि मुझे ना ऐसे स्विम करना, इधर स्विम करना, मैन जो है विद रेस्पेक्ट टू रिवर इधर स्विम कर, और लेट्स यहां से एंगल थीटा, कहां से ये थीटा किससे दे दिया अभी, विद द फ्लो, विद द डाउन स्ट्रीम, रिवर के फ्लो से थीटा। और बच्चों रिवर का वेलोसिटी इधर है, तो क्या लग रहा है ये यहां जाएगा ए पॉइंट पे जाएगा बच्चों, कि तुम लोग बताना कि बी पॉइंट पे जाएगा, कहां पर ये माइन क्रॉस करेगा, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जाएगा, जहां था इधर ये सोच रहा था कि इधर जाएंगे, बट रिवर ने इसके मन की बात नहीं होने दिया, रिवर इसको इधर भी ले गया और दिस इज द नेट वेलोसिटी इधर जाए, तो दिस विल बी द ड्रिफ्ट। बच्चों मुझे ड्रिफ्ट निकालना है, मुझे
मुझे टाइम निकालना है और रिवर का जो है वो डब्ल्यू दे दिया है। अब देखो एकदम रियल ये पता चलेगा कि तुम्हें समझ में कितना आया है ये चैप्टर अभी तक। तुम कहोगे सर इसको क्या करते हैं, दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, एक अलोंग द रिवर और एक अक्रॉस द रिवर। बच्चों बताना वेलोसिटी अलोंग द रिवर कितना है, अलोंग वाला पहले बताते हैं। Vm cos theta. नेट वेलोसिटी Vm cos theta तो मैन का है और रिवर भी तो है इधर, तो मैन प्लस Vr। Vr क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। मैन का इस डायरेक्शन में इतना हो जाएगा बच्चों। अब मैं बात करूं कि यही जो वेलोसिटी यही ड्रिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा इतना मन से पढ़ा रहा हूं बच्चे, एकदम ध्यान से समझना, नहीं आ रहा तो पूछना। वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर Vm sin theta। Vm तो टाइम कितना लगेगा क्रॉस होने में, पहला सवाल ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं तो तुम लोग बताओगे। व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर? W अपॉन V अपॉन Vm sin theta। V बाय Vm sin theta। W अपॉन Vm sin theta। बहुत ही बढ़िया, तुम लोग ब्रिलियंट हो। अब बच्चों ड्रिफ्ट भी बताएं तो L अपॉन Vm cos theta। L अपॉन Vm cos कितना क्या ये सारे बच्चों को क्लियरली समझ में आया, क्या ये ड्रिफ्ट का कंसेप्ट? कितने दिन में भूल जाओ बच्चों, दो दिन, पांच दिन, 10 महीना, कंसेप्ट सीखो यार, कभी नहीं भूल सकते हैं। अच्छा किसी ने कहा है रुशद सर कलर का पेन जो है वो ब्राइट रखो यार, मैंने देखा नहीं मैसेज। चलो बच्चा ब्राइटी तो है कलर, एक्चुअली मैं जो लिखता हूँ तो मुझे कुछ और दिखता है सामने, कुछ और पीछे से देखने पे अलग दिखता है, मुझे कभी कभी नहीं पता चलता है। चलो बच्चों तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया। मैं एक दूसरा पे जा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रहा हूं बच्चों, ये दे रहा हूं 5 किलोमीटर पर आवर। Velocity of man दे रहा हूं, सपोज ये भी 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू रिवर। एंड मैन स्टार्ट स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन एट एंगल 37 डिग्री, और ये जो विड्थ है रिवर का वो दे दिया है बच्चों 500 मीटर। मुझे निकालना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, दूसरा ड्रिफ्ट, तीसरा इफ ही वॉक्स ऑन ग्राउंड
if he walks on ground with 6 km/h, so when will he reach at opposite point? So to take them. Man is time 40 seconds. River ka velocity bachcho kuch idhar hoga, hai na? Time 200 seconds. तो इसका नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगा बच्चों, इधर कहीं यहां पहुंचेगा। तो हम इसके वेलोसिटी को दो पार्ट में बांट देते हैं बच्चों। इस वीएम का, वीएम का दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा वीएम कॉस 37 दैट इज इक्वल टू 5 × 4/5 दैट इज इक्वल टू 4 km/h। इज इट क्लियर सर? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? यस सर। यस 4 km/h है ना, इसलिए तो मैंने मीटर में दिया। और इसका इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन हो जाएगा Vm sin 37 5 × 3/5 दैट इज कट हो जाएगा 3 km/h। अक्रॉस द रिवर कितना वेलोसिटी है बोलो बच्चों? ये वाला कंपोनेंट 4 km/h, is it clear? Along the river कितना है velocity? 5 इधर और 3 इधर, 2 because 5 इधर और मैं इधर चला रहा हूँ 3 से, तो 5 − 3 that is equal to 2 km/h। तो इतना प्यार से समझाया यार, मेरे लिए इतना सीख जाओ कि ये जो होगा ये रेस्पॉन्सिबल होगा क्रॉस करने के लिए, ये रेस्पॉन्सिबल होगा ड्रिफ्ट के लिए। तो टाइम बताओ बच्चों, तुम लोग बताओ। 600 मीटर सर, 150 सेकंड्स। 600 मीटर मतलब 600 × 10⁻³ किलोमीटर है ना, किलोमीटर। और ये है स्पीड है 4 km/h, ये किलोमीटर किलोमीटर जाएगा। 600 × 4 = 150 × 10⁻³ आवर है ना? यस सर। 0.15 आवर, आवर का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? 60 मिनट। अगर मिनट में आंसर दिया है तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 9 मिनट। 9 मिनट्स, 9 मिनट सर। वो कैलकुलेशन ठीक से नहीं दिख रहा है सर, 600 के बाद क्या नीचे? ये दिन आ गए हमसे ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस कराओगे यार तुम। टाइम निकालना है 600 मीटर अपॉन 4 km/h, इसको मैंने किया 600 × 10⁻³ किलोमीटर चलेगा, अपॉन 4 किलोमीटर। और ये आवर नीचे मैं इधर आवर चला जाएगा है ना, ये किलोमीटर किलोमीटर चला गया। ये हो जाएगा बच्चों 150 × 10⁻³ आवर। 150 का मतलब 0.15 × 1 आवर का मतलब हुआ 60 मिनट। ये कैलकुलेशंस कर लो बच्चों, अभी बताओ क्लियर? यस सर। आंसर्स दिया रहेगा 9। यस सर। ड्रिफ्ट भी मैं ही बताऊंगा, निकाल लोगे सर? 300 मीटर निकाल।
थीटा लेंगे। ड्रिफ्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल इजिकल टू 2 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.15 आवर। ये आवर आवर चला जाएगा, 0.15 में आया था कितना हो तो जाएगा 0.3 किलोमीटर, दैट मीन 300 मीटर। तीसरा सवाल बोला था बच्चों कि इसको ना वापस यहाँ पे आना, ये ऐसे वापस पैदल आएगा बच्चों, वॉक करके आएगा। वॉक करने का स्पीड कितना दिया हमने 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम टी टू कितना लगेगा लोगों में, कुछ है नहीं यार, टी टू कितना लगेगा यहाँ से आने में? 0.3 upon 6 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर किलोमीटर जाएगा 0.05 है ना, कितना हो जाएगा ये 0.05 आवर, ऐसा क्या? यस सर, यस। मिनट में अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 मिनट क्या? जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू 60 है ना, ये 3 मिनट आ गया ना, 60 मिनट। तो बच्चों ये 3 मिनट आगे आने में लगा, तो बढ़िया सा सवाल बन गया। 9 मिनट में क्रॉस किया, 3 मिनट आने में लगा, 12 मिनट पे यहाँ पहुंच जाएगा। इंटीजर टाइप सवाल बना लेंगे इस पे। सर कैमरा थोड़ा ऊपर कर। अच्छा कैमरा थोड़ा ऊपर। तो बच्चों रिवर बोट क्लियर, सॉरी रिवर मैन। यस सर। आज का यस सर यहीं तक।